भोजपुर आरा के रामना मैदान के पास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। धरने का कारण स्कूल शिक्षक बहाली में बिहार के छात्रों के हित में डोमिसाइल नीति को वापस लेने और नियमावली को स्पष्ट, सरल और अनुकूल करने के लिए तथा छात्रों ने अपनी बातों को रखा। देखिए बिहार में जो शिक्षा नीति कह रहे हैं, बिहार का जो शिक्षक अभ्यर्थी के खिलाफ में हम लोग जो नीतीश कुमार ने शिक्षक अभ्यर्थी पे लाठी चार्ज किया है उसके विरोध में विद्यार्थी परिषद पूरे बिहार में एक दिवसीय धरना दिया है। धरना के माध्यम से बिहार सरकार को हम स्पष्ट बताना चाहते हैं कि शिक्षक जो नीति है, जो शिक्षक नियमावली है, उस नियमावली में बार बार संशोधन करना ये बिहार सरकार का स्पष्ट रूप से रवैया है कि बिहार में शिक्षक बहाली नहीं करेंगे। डेमोसाइन नीति को हटाना विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि उस नीति को पुनः वापस ले, अन्यथा आने वाले समय में बिहार विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगा। दूसरा चीज है, जिस प्रकार से पटना में अभ्यर्थियों के साथ लाठी चलाया गया है, उनको पीटा गया है, ये विद्यार्थी परिषद कतई बर्दाश्त करने वाली नहीं है। उसके विरोध में आज हम लोग धरना दिए हैं। आने वाले समय में मुख्यमंत्री आवास का घेराव और विधानसभा का घेराव भी विद्यार्थी परिषद करने जाएगी। छोटू सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, विद्यार्थी परिषद आ रहा। जो धरना दिया गया उसके प्रति सरकार के प्रति क्या कहना चाहेंगे? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूरे बिहार प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पे एक दिवसीय धरना के माध्यम से डोमिसाइल नीति को वापस लेने, साथ एक सरल नियमावली को लागू करने के लिए आज एक दिवसीय धरना के माध्यम से वर्तमान सरकार को चेतावनी दिया गया है कि जल्द से जल्द एक स्थायी नियमावली जारी करें ताकि शिक्षक अभ्यर्थी ये समझ सके कि हमें किस प्रारूप के तहत तैयारी करना है और किस प्रारूप के तहत फॉर्म भरना है। चंदन तिवारी, विश्वविद्यालय संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी। ब्यूरो चीफ शशि भूषण सिंह की रिपोर्ट।